ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास का 24वें दिन का महात्म्य सुनाएंगे। ऋषि पूछने लगे, हे सूत जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली। तब सूत जी ने कहा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जिस भगवान के स्मरण मात्र से सब संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को कोई कष्ट नहीं हो सकता। जब अग्नि शांत हो गई, तब चक्र सुदर्शन धारण करने वाले भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। तब अदिति ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की, हे भगवान, आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं, सभी को जानते हैं, अतएव मेरे पुत्रों को अंकटव्य राज दीजिए। अदिति के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान कहने लगे, हे देव माता, मैं ही तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। कुछ समय बाद अदिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा कमंडल धारण किए हुए हजारों सूर्य के समान तेज वाले कमल नयन पीताम्बरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए गए दैत्य के नाशकर्ता भक्तों के प्रिय भगवान को वामन रूप में देखा। तब कश्यप आदि ऋषि भगवान की स्तुति करने लगे। जो कोई वामन भगवान स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह सदैव निरोग रहकर सर्व संपदा प्राप्त करता है। तब वामन भगवान बोले, हे पिताजी, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने दो बार आपके घर में जन्म लिया है और आगे भी आते रहेंगे। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। उधर राजा बलि ने शुक्राचार्य को अपना आचार्य बनाकर बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें लक्ष्मी जी सहित हवि ग्रहण करने के लिए भगवान विष्णु का आवाहन किया। उसी समय भगवान विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर आ गए। भगवान के इस रूप को देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देख श्री शुक्राचार्य ने राजा बलि को एकांत में बुलाकर समझाया। इसी के साथ 24वें दिन का महात्म संपूर्ण होता है। कार्तिक मास की सभी महात्म को नियमित रूप से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।